So this is called Kurmulu. Hi guys, good morning, happy Ganesh Puja. So आज मैं रेडी हो चुकी हूँ और हमारे अपार्टमेंट पे भी पूजा है. सो अभी पंडित जी आएंगे तो हम लोग जा रहे हैं. मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तेलुगु लग रही हूँ क्या? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना. मुझे बहुत अच्छा लगता है साउथ इंडियन लुक क्रिएट करने में. मतलब मैं साउथ इंडियन दिखूँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो मैं क्या साड़ी पहना है सब कुछ मैं नीचे जाके दिखाती हूँ. लेट हो रहा है. और ये जो साड़ी है ना वो मेरी हल्दी का साड़ी है. शादी में हल्दी में मैंने पहना था. और ये भी मैंने शादी से पहले का ही है. और ये चूड़ी पहनी है मैंने, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है. और क्या बताऊँ. हाँ, प्रसाद मैंने ना गजरा भी लगाया है जो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, फिर भी लगाया है मैंने. और एक्चुअली कुछ प्रसाद चाहे तो आप दे सकते हो, ऐसे मैंडेटरी नहीं है. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रसाद में क्या दूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे कुछ ना उसमें मैं फिश चिकन बना चुकी हूँ. तो भगवान को वैसे बर्तन में देना ठीक नहीं रहेगा. ऐसे सब लोग दे सकते हैं धो के, पर बचपन से हम लोग सीखते आए हैं कि नहीं दे सकते. तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा जो फ्राइड नहीं है वो प्रसाद दूँ. तो मैंने शाबू माखा जो कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था वही बनाया है. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, फिर नीचे जाते हैं. दिस इज शाबू माखा जिसके ऊपर काजू किशमिश और थोड़ा सा आम शॉट तो दिया है. और चीनी टीन शॉट दे दिए चले वो. अरे तुम्हारा वीडियो तो उसी फोटो ना. శ్రీ అక్షతమేష నమస్కారం చేసుకోండి. వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. నానావిధ పరిమళ పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి రూపమాగ్రాపయామి. हुआ क्या? प्रसाद खाऊंगी. ये सब कैमरन राइस है, पायसम है. मुझे पूजा करके बहुत अच्छा लगा. क्या क्या हुआ मैं बाद में जाके बताती हूँ. और मेरे हस्बैंड गए थे इसको फेंकने के लिए. कहाँ पे फेंकना है सबने गलत समझा उसको और दे दिया. सो घर आ गई हूँ.
अभी ये चेंज करूंगी, मुझे चिड़चिड़ हो रहा है, ये बहुत ही चिड़चिड़ कर रहा है। बहुत मजा आया और मैं आपको दिखाती हूँ ये लगाया सबको अलग अलग से। मैं पूजा को शूट नहीं कर पाई बिकॉज सब लोग थे ना, तो सब लोग कंफर्टेबल नहीं हो गए। थोड़ा थोड़ा करके कोशिश किया, क्योंकि पूजा में मैं अनिर्मा और मम्मी तीनों के तीनों ही बैठ गए थे और एक लाइन में बैठ गए थे। कितना अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा यहाँ पे, पहली बार किया है ना, तो इसीलिए और अच्छा लगा। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रसाद बना के लेके आए थे, सो वो खाना हो गया। अभी 2:30 बज रहे, अभी पेट में जगह नहीं है लंच करने के लिए, रात को देखते हैं क्या खाएंगे। पर मुझे बहुत मजा आया, रात में ना हम लोग गेम्स खेलेंगे और इसको मैं जल्दी जल्दी उतार लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे उतना याद नहीं रहता, ऐसा सा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये टूट जाएगा क्योंकि ये ग्लास का है। सो चलिए मैं सब कुछ क्लीन अप करके फिर मिलती हूँ। किचन की हालत पूरा मिस है बिकॉज सुबह उठ के ना जल्दी जल्दी मैं सब कुछ कर रही थी कि सब लोग आ जाएंगे, हम लोग सबसे पहले पहुंच गए थे, तो मैंने सोचा पहले किचन को मैं सॉर्ट कर लूंगी। मम्मी को एक, मुझे एक मिला था, ऐसे हम लोग झोली में ले रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक रिचुअल से मैं ऐसा लीसा बोल रही थी, ये क्या है, कान धोड़े उठ बोश, ऐसा कुछ था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका मीनिंग ये रहता है कि अगर हम हमसे कोई भूल चूक हो गई तो भगवान हमें माफ कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग ऐसे करके ना स्कूल में अगर किसी को पनिशमेंट मिलता था तो ऐसे करके करते थे, तो लीसा को तो बहुत हंसी आ गई इससे। ज्यादा कुछ नहीं खाया था ना हमने, तो थोड़ा थोड़ा भूख लगा है। एक्चुअली सब लोगों ने ना पेट भर के प्रसाद खा लिया था, हमें वही खाना चाहिए था, पर 2 बज गए थे। मैं सोचती हूँ कि राइस बनाऊँ कि क्या बनाऊँ, थोड़ा सा मैं ना अभी नूडल्स बना दूंगी, इंस्टेंट नूडल्स, वैसे इंस्टेंट नूडल्स ना मैं लेके आती हूँ और शायद 3-4 महीने चल जाता है, बाद में कभी कभी फेंक भी देती हूँ, बस ऐसे सिचुएशन के लिए कि कुछ नहीं, मतलब बनाना अभी मन नहीं हो रहा है कुछ खाना बनाने की। रात की सब्जी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, कल का एक्चुअली था तो ज्यादा रहते बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग बिजी हो जाएंगे और 6 बजे का हम लोग जाएंगे अभी उधर, तो मेरा नूडल्स उधर से बना लेती हूँ, वही खा लेंगे तीनों। चश्मा का डंडा खोल गया, जिसने ये किया है वही इसको ठीक करेगा। ए बॉक्स तो ये की वाले को स्क्रू ड्राइवर से रखो, डब्लू की शार्प स्क्रू ड्राइवर। हम लोग गए थे थोड़ा सा बाजार फिश खरीदने के लिए, अभी 7:45 बज रहे हैं, नीचे जाएंगे सब लोग आएंगे, तो हल्का हल्का फिर से भूख लग रहा था। मतलब अगर आप टाइम टाइम पे नहीं खाते ना तो कुछ देर बाद बाद ऐसा लगता है कि भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, तो भूख नहीं लग रहा था एक्चुअली, कुछ स्नैक्स जैसा होता तो इस टाइम पे जैसे खाते। सो मम्मी ने समोसा लेके आए हैं, समोसा खाएंगे।
आरती वगैरह शायद होगा या पता नहीं मुझे क्या होगा, पर हम लोग सब लोग एक साथ बैठ के ना कुछ गेम्स खेलेंगे, गप्पे करेंगे, अच्छा लगता है। सो निशा भी आ गई है और मैं पहले आ गई थी, वो गई थी सलवार पहनने, क्योंकि साड़ी पहन के ना खुले हम नहीं रह सकते, बहुत तकलीफ हो जाता है। सब लोग भूल रहे थे निशा दीदी कहाँ गया, निशा दीदी कहाँ गई, कहाँ कहीं पे नहीं, कोलकाता ही अभी आ गई है। So this is called Kurmulu and this is called Gore. Ondrai? Konta, konta Ondrai? Ondrai. Ye white wala Ondrai hai aur ye hai Bore. Bure. Kurmulu kaun sa? Kurmulu bhi white wala hi hai. Ek ka do naam kaise ho sakta? सारे लिपस्टिक के शेड में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना आई एम श्योर, क्योंकि आप लोग बहुत पूछोगे कि कौन से वाला लिप शेड सुबह को, कौन से वाला लिप शेड रात को, थक गई हूँ मैं। सो घर आ गई हूँ मैं, आपको कुछ जरूरी चीजें बताती हूँ गणेश पूजा के बारे में। एक चीज पहले मैं बता दूं, मुझे ना मालूम नहीं था गणेश भगवान का एक जो दांत है ना वो ऐसा रहता है, मतलब दो ही दांत नहीं रहता है, एक दांत टूटा हुआ जैसा रहता है, ये मुझे मालूम नहीं था। और एक चीज, हाँ, गणेश चतुर्थी के दिन ना मून नहीं देखना चाहिए, मतलब चांद को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा रहता है ना, मतलब कहावत कि गणेश जी का पेट फट जाता था तो ये देख के मून ने एक बार हंस दिया था, फिर उनको श्राप लगा था, ऐसा कुछ है, ऐसे बोल रहे थे सब लोग, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में जितना आया वही बोल रही हूँ। तो उस दिन चांद को नहीं देखना है, पर अगर वो माथे पे ऐसे चावल जैसे हमने डाला था वो डाल के आप देख सकते हो, फिर कुछ नहीं होगा। सो फिलहाल अभी खाना बनाएंगे हम लोग, मतलब कुछ नहीं, रोटी सब्जी बनाएंगे, सब्जी है बस रोटी बनाएंगे, और उसके बाद कल से फिर से ऑफिस है। माय गॉड, अच्छा खासा 3 दिन छुट्टी था यार, 3 दिन छुट्टी के बाद जब ऑफिस स्टार्ट होता ना तब, ऊपर से इतना बारिश हो रहा है। कल फिश विश वगैरह बनाना है, उसका टिफिन है ना, फिश को काट के बनाने में बहुत तकलीफ होता है। अरे बारिश के बूंदे आ रहे हैं, चलो गुड नाइट बोल देती हूँ, फिर मिलेंगे अच्छे ब्लॉग के साथ। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछना, अगर मुझे पता है तो बता दूंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।